Hi everyone, welcome to my channel. My name is Priya Dogra and I'm back again with another video. आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड लार्जेस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ योर इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. इट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं. स्टूडेंट्स को मौका दिया जा रहा है इनके साथ काम करने का एज अ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना यहाँ पर बहुत ईजी सा प्रोसेस रहेगा. वैसे तो यहाँ पर पर्टिकुलर लोकेशन पर भी इंटर्नशिप निकल कर आ रही है, बट यू गाइज कैन अप्लाई वर्चुअली ऑल्सो. किस तरह की इंटर्नशिप है, कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, उसकी डिटेल्स वीडियो के अंदर देखेंगे. बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. चलते हैं मेन प्लेटफॉर्म की तरफ. सो हमारा आज का मेन प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जिसके अंदर आपको फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड इंटर्नशिप प्रोवाइड की जा रही है. अब इंटर्नशिप की बात करें तो इट इज़ अ ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम जहां से कोई भी अप्लाई कर सकता है. ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी अप्लाई कर सकता है इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए. वैसे तो यहां पे पर्टिकुलरली लोकेशन वाइज इंटर्नशिप निकल कर आती है, बट ये जो इंटर्नशिप जिसकी आज हम बात करने वाले हैं इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल वर्चुअली. सो डिज़ायर्ड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर इट. अगर इस इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात की जाए तो उन स्टूडेंट्स को मौका दिया जा रहा है जिनको फाइनेंशियल सेक्टर में अपना करियर बिल्ड करना है, अपने स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, कैसे एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं जिनसे उनके स्किल्स थोड़े बूस्टअप हों और एक अच्छा करियर में ग्रोथ मिले. सो उनके लिए ये इंटर्नशिप प्रोग्राम निकल कर आ रहा है. क्वालिफिकेशन एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए सो एनीबडी हु इज़ इनरोल्ड इन द मास्टर डिग्री लेवल प्रोग्राम कैन अप्लाई फॉर इट. अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम अपना कंप्लीट कर लिया और मास्टर्स में अभी आपने एडमिशन ली है देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा बताया गया है कि आपकी एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट होनी चाहिए आफ्टर December 1st 2022. इसके बाद अगर आपकी ग्रेजुएशन होती है देन यू गाइज आर एलिजिबल टू अप्लाई. मतलब मिनिमम आपका जो है वो एक दो सेमेस्टर कंप्लीट होने चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर ड्यूरेशन की बात की जाए मिनिमम पीरियड आपका यहाँ पे 4 वीक्स का बताया जा रहा है. अगर आपके स्किल्स इनको पसंद आते हैं, आपका काम करने का तरीका इनको पसंद आता है देन यू गाइज कैन आपकी इंटर्नशिप प्रोग्राम यहाँ पे जो है वो एक्सटेंड भी की जा सकती है. वैसे तो ये पर्टिकुलरली लोकेशन वॉशिंगटन डीसी के लिए निकल कर आ रही है, बट जो अपॉर्चुनिटीज़ मैं बताने वाली हूँ उसमें से एक अपॉर्चुनिटी आपकी वर्चुअल के लिए भी है. मतलब वर्चुअल आप यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं. बाकी बात की जाए स्टूडेंट्स को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे. सो स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक तो कॉर्पोरेट ओरिएंटेशन, स्किल ट्रेनिंग्स, रेगुलर आपकी लर्निंग होगी, कुछ इवेंट्स होंगे, एक्टिविटीज़ होती रहेंगी जिसके थ्रू आपके स्किल्स जो हैं वो बूस्ट होते रहेंगे. साथ साथ में आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किस तरह से काम होता है एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिल सकता है. इट विल बी अ फुल टाइम अपॉर्चुनिटी. अगर आप ग्रेजुएशन बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं सो ये फुल टाइम अपॉर्चुनिटी की तरह आप इसको लेके चल सकते हैं. एप्लीकेशन का सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बताऊँ तो हर साल 3000 से ज़्यादा एप्लीकेशन यहाँ पर रिसीव होती है. सो आपके पास भी अच्छा मौका है. यू गाइज कैन ऑल्सो बी द वन टू वर्क विद वर्ल्ड बैंक ग्रुप. यहाँ पे अगर बात की जाए कब ये एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाएगी सो 7 फरवरी से ये शुरू हो गई थी. एंडिंग डेट है इसकी 21 मार्च 2022. कुछ ही दिन रह गए हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर ओपनिंग्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज़ में ओपनिंग्स निकल कर आ रही है. एक है आपकी ब्रांडिंग एंड कम्युनिकेशन, एक है आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज. ब्रांडिंग एंड कम्युनिकेशन में स्पेसिफिकली लोकेशन बताई गई है बोगोटा एंड वियना, बट आप यहाँ पे इसके लिए वर्चुअली भी अप्लाई कर सकते हैं. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपको ये जो लैंग्वेजेस सेक्शन में बताया गया ये लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए स्पेनिश और पोर्टुगीज़ या अरेबिक और फ्रेंच. सो अगर आपको ये लैंग्वेजेस आती हैं आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वर्चुअली नहीं आती है. सो एक आपके पास और अपॉर्चुनिटी है ह्यूमन रिसोर्सेज के सेक्शन में जहाँ पे आप वॉशिंगटन डीसी या वर्चुअली अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं और आप एलिजिबल मानते हैं खुद को सो इधर अप्लाई कर दीजिए. ज़्यादा कुछ नहीं मांगा जा रहा है आपसे. आपको यहाँ पर CV और अपना कवर लेटर मेंशन करना होगा. मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंस फील्ड में जितने भी स्किल्स आपको अच्छे से आते हैं वो कवर लेटर में ज़रूर से मेंशन करें. अब बात करते हैं कि किस तरह से आपका फर्दर प्रोसेस चलने वाला है। एक बार जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे 21 मार्च से लेके 29 अप्रैल तक आपकी यहाँ पे इंटरव्यूज़ जो है वो चलने वाले हैं। बाकी स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्लियरली मेंशन करके रखा गया है कि आपको सैलरीज़ और मेडिकल इंश्योरेंस दी जाएगी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर इंटर्नशिप प्रोग्राम। सो ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा मौका है स्टूडेंट्स के पास। यू कैन वर्क विद द इंटरनेशनल फर्म। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा अगर आप फाइनेंस फील्ड से बिलोंग करते हैं तो। अब बात करते हैं कि हमने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। सो अगर आप वॉशिंगटन DC या वर्चुअल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, CHR ट्रेनिंग डिज़ाइनर इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लोजिंग डेट रहेगी आपकी 21 मार्च की। सो उससे पहले अप्लाई कर लीजिए। बाकी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे इंटर्नशिप पीरियड बताई जा रही है, मई टू जुलाई के बीच में रहेगी। आपको काम करना होगा HR टीम के अंदर। HR का जो भी रोल होता है एज असिस्टेंस आपको यहाँ पे देनी होगी उन्हें। बाकी सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको तो मैंने बता ही दिया कि क्या आपको आना चाहिए। मास्टर डिग्री प्रोग्राम में अगर आपने इनरोल किया है या आपकी ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो चुकी है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, HR फील्ड से रिलेटेड। 3 साल का अगर रेलेवेंट एक्सपीरियंस है आपका इस फील्ड में एटलीस्ट बोला गया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, ये चीज़ें आनी चाहिए। सो अगर आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफ़िल करते हैं, आपके पास यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन दिया गया है, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर खुल कर आने वाला है। सो स्टेप्स यहाँ पे देख सकते हैं, 9 स्टेप्स रहेंगे टोटल आपके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। सो इट विल बी अ लेंथी प्रोसेस। स्टार्टिंग आपकी होगी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन से, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी आप दे सकते हैं। अपनी टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। टोटल 9 स्टेप है। दैट मीन्स इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस फॉर योर एप्लीकेशन। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, यू गाइज नो द डील, क्या करना है आपको। नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में और मेरे टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे भी मैं आपको कुछ इसी तरह के जो है वो कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी तरह का डाउट हो, आपका सॉल्व करती हूँ। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आई है। अगर ऐसा कुछ है इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।